आपको पानी की बोतल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर, जिससे आप माल खरीदोगे। और आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास बोतल मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 7 रुपये में, और आप आगे दोगे उसे 10 रुपये में। ये मैं 1 लीटर वाले की बात कर रहा हूँ जो 20 रुपये की बिकती है, और वो जो बंदे को आप 10 रुपये की दे रहे हो वो आगे उसे 20 रुपये की बिकेगा, और आपका जो प्रॉफिट होगा 3 रुपये एक बोतल में होंगे। आप उसे डेली की 50 से 70 बोतल भी अगर उसे देते हो, डेली के होटल में लग जाती है। मैंने ये काम कर रखा है इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने टिशू का काम कर लिया था, इस वजह से मैंने स्पेस की दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया था। मगर ये काम भी बहुत अच्छा है दोस्तों, जो पानी का बिजनेस करना चाहते हैं। पानी तो मैंने आपको बताया कि हर घंटा बंदा पीता ही पीता है, टिशू तो फिर भी खाते वक्त इस्तेमाल करता है, दिन में 4 बार खाता है, लेकिन पानी वो 22 बार पिएगा, 50 बार पानी पीता है। और अब गर्मी आने वाली है तो पानी पीने के साथ साथ मुँह भी धोना कंपलसरी हो जाता है। टिशू और पानी का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला है। जैसे टिशू 100 रुपये में दे रहा हूँ, 12 में दे रहा हूँ, मगर वही आप पानी की बोतल में आपको 7 रुपये में दिलवा दूंगा, 7 रुपये पानी की बोतल दिलवाऊंगा, 10 रुपये की आप आगे बेचो, और बहुत ही सही रेट में बिस्लेरी की बोतल होगी। टाटा कॉपर आप लगाओगे तो और भी अच्छा पानी है, क्योंकि उसका मार्केट रतन टाटा ने गिरा दिया है। जो और बोतलें 11 रुपये की मिलती है, मगर वो आपको टाटा की बोतल 10 रुपये की मिल जाएगी। आप 3 रुपये का मार्जिन रख के उसको आगे 10 रुपये की बेचो, और जो जिससे बेचोगे वो आगे 20 रुपये की बेचेगा। ये रेट होता है, वो 10 रुपये रखेगा, आप 3 रुपये रखो। आप डेली के 4-5 दुकानों में बात कर लो, 400-500 बोतलें भी आपने निकाल दी और 3 रुपये एक बोतल में है, तो आप खुद ही इंटू कर सकते हो कितना आपका मार्जिन बचने वाला है। बिजनेस बहुत सही है, आप बस मुझे सब्सक्राइब करो और ऐसे रास्ते आपको मैं दिखाता रहूँगा और आपको ऐसी नॉलेज देता रहूँगा।